मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। ठीक है, हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग दो टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे, फिर चौथे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं बिना समय गवाए हुए। और ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस एसएससी जीडी से लेकर एसआई जीडी एलडीसी तक आप इस क्लासेस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सीएपीएफ के लिए, यानी और अर्धसैनिक बलों के लिए। देखिए, पहला सवाल स्क्रीन पर। कोई भी सवाल जब एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिले तो बहुत ही बड़े ही इत्मीनान से आपको उसे पढ़ना है और समझना है। एक प्रश्न को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे गलती ना हो। देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, आराम से समझना। सबसे पहले हमारा मूल शब्द क्या है, यहां पे लिखते हैं फ्रैक्शन, एफ आर ए सी टी आई ओ एन। अब देखिए, इंग्लिश से कोई भी वर्ड हो उसमें दो तरह के लेटर्स होंगे, अल्फाबेट होंगे, या तो वो वॉवेल्स होंगे या फिर कॉन्सोनेंट। क्लियर है? अब आते हैं सवाल पर। सवाल में कह रहा है कि व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक शब्द है वर्णानुक्रम, इसका मतलब है कि अंग्रेजी में जो ए बी सी डी एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं वर्णानुक्रम। ठीक है, अब व्यंजन को बाएं से दाएं करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजन कौन कौन सा है। क्लियर है? व्यंजन एक एफ है, आर है, सी है, टी और एन। ठीक है, ये चार शब्द हैं, चार अक्षर हैं जो व्यंजन। व्यंजन को बाएं से दाएं की तरफ लेकर बढ़ना है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी बढ़ता है, तो बायां कौन सी साइड होता है? ये वाला साइड, और दायां ये वाला साइड होता है। ठीक है, अब इसमें वर्णानुक्रम में लेके चढ़ना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर सबसे पहले आता है उसे हम लोग पहले लिखेंगे। क्लियर है? अब इस चीज को समझने के लिए सारे का वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे एफ का 6, आर का 18, ए का 1, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब देखिए, जो व्यंजन अक्षर है उसे, जो व्यंजन अक्षर है उसमें जो सबसे छोटा है, तो व्यंजन हमारे पास है एफ आर सी टी एन, इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सी है। फिर सबसे छोटा कौन है? 6 नंबर वाला, यानी एफ। उसके बाद कौन है? एन। फिर कौन है? आर। फिर टी। देखिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 व्यंजन थे जिसको हमने वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं की तरफ हमने सजा दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, इधर से बताया गया था बाएं से दाएं की तरफ। अब जो स्वर बचे हुए, यानी वॉवेल्स, अब वॉवेल्स को भी वर्णानुक्रम में लगाएंगे, तो सबसे पहले वॉवेल्स हमारे पास है ए आई, तो सबसे पहले हम कौन सा वॉवेल्स लिखेंगे? ए, क्योंकि सबसे छोटा है। फिर जो
जो बचा उसमें से उसके बाद किसका नंबर पड़ता है, आई का, यानी नाइन इसका वैल्यू है, आई लिख लेते, ठीक है। उसके बाद वो, अब प्रश्न के अनुसार हमने पूरी तरह से अपना काम कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है तो दाएं छोर से, यहां पे देखिए दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा अक्षर, पांचवा कौन सा होगा दाएं छोर से, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब इधर से आपको पांचवा अक्षर काउंट करना है, इधर से आपको पांचवा अक्षर काउंट करना है, ओ पहला हो गया, आई दूसरा, ए तीसरा, टी चौथा, आर पांचवा, आर क्या हो गया पांचवा दाएं तरफ से, ठीक है, ये दाएं ओर से आर क्या हो गया पांचवा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो आंसर क्या, मेरा आंसर क्या हो गया आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, और तब प्रत्येक अक्षरों को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए, तो बाएं से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। देखिए ये शब्द है अपना वर्क प्लेस, ओके, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सभी स्वरों को लगाना है वर्णमाला क्रम में, इस बार सबसे पहले स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाना है, कहां बाएं से दाएं, ठीक है। फिर व्यंजन को वर्णमाला क्रम में लगाना है, ठीक है, फिर व्यंजन को लगाना है बाएं से दाएं, ठीक है। उसके बाद तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णानुसार क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। फिर बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा वो हमें बताना है, ये सवाल, ठीक है। चलिए तो ये वर्क प्लेस हो गया, डब्ल्यू ओ आर के पी एल ए सी ई वर्क प्लेस हो गया, ठीक है। इसका नंबर हम लोग लिख लेते हैं, 23, 15, 18, 11, 16, 12, 1, 3, 5। अब हम नंबर क्यों लिखते हैं, आप बिना नंबर के भी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर इसलिए लिखते हैं कि मिस्टेक ना हो और हम अच्छे से सजा सकें। हमने नंबर लिख लिया, अब इसमें जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें सबसे पहले स्वर को कह रहा है, तो स्वर इसमें कौन सा है, ओ ए ई, तीन क्या है इसमें स्वर है और कोई स्वर नहीं है, ठीक है। इन तीनों को सबसे पहले लिखेंगे, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है वो सबसे पहले लिखेंगे, बाएं तरफ से बोल रहा है तो बायां साइड ये हमारा लेफ्ट साइड, इधर से लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो स्वर था वो तीनों स्वर को हमने वर्णानुक्रम में वर्णमाला के जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग हमने सजा दिया। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट पर, ठीक है। तो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट में बाकी बचे हुए यानी ई ए और ओ, इन तीन को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब सारे कॉन्सोनेंट है तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, सी सबसे छोटा, फिर के यानी 11, ठीक है, उसके बाद एल, उसके बाद पी, उसके बाद आर और उसके बाद डब्ल्यू, ये हमने सजा दिया, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि बाएं से पांचवा कब, जब अगले अक्षरों से हम परिवर्तित करेंगे, ठीक है। अब हम इसको परिवर्तित करते हैं, अगले अक्षरों से परिवर्तित करते हैं, ठीक है, बदलते हैं, यानी ए है तो बी हो जाएगा, ई है तो एफ, ओ का पी, सी का डी, के का एल, एल का एम, पी का क्यू, आर का एस, डब्ल्यू का एक्स, ठीक है। हमने अगले अक्षर से इसको क्या किया, परिवर्तित कर दिया। अब बाएं से पांचवा अक्षर यानी इस तरफ से, इस तरफ से बाएं तरफ से पांचवा अक्षर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा अक्षर क्या हो गया
बाएं तरफ से पांचवा अक्षर क्या हो गया, ये पांचवा अक्षर हो गया बाई ओर से, ये आपका आंसर हो गया, एल आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, शब्द पॉलिटिस का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। चलिए ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक व्यंजन को, ठीक है, व्यंजन को क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से बदलेंगे व्यंजन को, और स्वर को इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से बदलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ड को, पी ओ यू एल टी आई सी ई। ठीक है, अब देखिए जो व्यंजन आएगा उसके, एक चीज हमने आपको बताया था, कोई भी लेटर है, ठीक है, सपोज दैट हम पी ले लेते हैं, जब इसके दाएं तरफ हम पढ़ते हैं तो प्लस होता है और बाएं तरफ हम अगर जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ये चीज हमने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया। अब देखिए व्यंजन को क्या करेंगे, दाई ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, यानी पी के दाएं तरफ तीसरा अक्षर क्या आएगा, तो +3 करेंगे, दाएं तरफ जा रहे, और ये ओ यानी स्वर आ गया, इसको इसका चलना है किस तरफ, बाएं तरफ, और ओ के बाएं तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएगा। उसी तरह यू क्या है, भौवल, तो इसमें भी -2 करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे, क्योंकि भौवल भौवल में कह रहा है कि दाएं और दूसरे अक्षरों से प्रतिस्थापित करना, मतलब बदल देना। एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दाएं तरफ जाएंगे 3, टी कॉन्सोनेंट है, दाएं तरफ जाएंगे 3। ठीक है, आई वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, -2 बाएं तरफ जाएगा, सी कॉन्सोनेंट यानी +3। ठीक है, और ई वॉवेल यानी -2। ठीक है, अब देखिए पी का वैल्यू कितना होता है, 16, और टी कितना हो गया, 19, 19 का एस हो जाएगा। ठीक है, ओ का कितना होता है, 15, और 15 में -2 करेंगे 13, 13 किस लेटर का वैल्यू है, एम। ओ यू, यू में कितना माइनस करना है, -2, यू का कितना वैल्यू होता है, 21। ठीक है, और 21 में आपको क्या करना है, -2। अब 21 में -2 करेंगे तो बचा 19, यानी ओ एल का होता है 12, एल का कितना होता है, 12। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 3, 15, और 15 किसका होता है, ओ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहां पे माइनस करेंगे तो एस होगा, यहां पे क्या होगा, एस एस हो जाएगा। ठीक है, ओ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टी, टी 20 होता है, और +3 करेंगे तो क्या हो गया, 23, और 23 किसका होता है, W। I यानी 9, -2 करेंगे 7, और 7 किसका वैल्यू होता है, G का। C में +3 करेंगे, C का वैल्यू 3, +3 6, 6 किसका वैल्यू होता है, F का। और E में -2 करेंगे, E का वैल्यू 5, -2 करेंगे 3, 3 किसका आता है, C का। ठीक है, तो नया रूप हमारे पास क्या आ गया बन के, नया रूप S M S O W G F C, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, S M S O W G F C, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये सब बहुत ज्यादा इजी, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन बड़े इत्मीनान से आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी आपने गलती या लापरवाही बरती तो क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
यदि शब्द इक्वलिटी के पहले और पांचवें अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे और छठे अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं, ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे इक्वलिटी को लिखते हैं, ई क्यू यू ए एल आई टी वाई, पहला अक्षर हम यहां पे डालेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि पहले और पांचवें अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएंगे, जो ये पहला अक्षर ये पांच नंबर पे आएंगे, तो पांचवा कौन सा है, एक दो तीन चार पांच, यहां पे आ जाएंगे ई, ठीक है, पांचवें नंबर पर, ओके। उसके बाद इसी प्रकार दूसरे और छठे अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाए, दूसरा और छठा अक्षर यानी यू आ जाएगा कहां पे, यहां पे, ठीक है, सॉरी क्यू आ जाएगा यहां पे, क्यू यहां पे आ गया, ओके, ठीक है, तीसरा यहां पे आ जाएगा यानी यू यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है, एल एल कहां पे आएगा, अब एल यहां पे आ जाएगा सबसे सबसे फर्स्ट में, ठीक है, आई कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आई आ जाएगा, टी इस जगह पे आ जाएगा और वाई इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, हमने प्रश्न के अनुसार चेंज कर दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि आगे इसी प्रकार की जारी रखा जाए तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा, दाएं सिरे से यानी इस तरफ से लेफ्ट साइड से तीसरा क्या होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा क्या होगा, क्यू, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, शब्द एक्सप्लोरेशन के प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से दाहिने ओर से सातवां अक्षर कौन सा। देखिए सबसे पहले व्यंजन को क्या करना है, इसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से चेंज कर देंगे, यानी व्यंजन में जाहिर सी बात है माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि पहले से आ रहा है कोई भी लेटर है जैसे आर, तो इससे आगे यानी बाद, ये क्या हो गया, बाद, बाद में जाएंगे तो प्लस और पहले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पे कह रहा है, जो व्यंजन आएगा वहां पर माइनस करेंगे तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे, बाद वाला से प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, जस्ट यानी इसमें क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, यानी जो कॉन्स्टोनेंट, जो कॉन्सोनेंट आएगा, जो कॉन्सोनेंट लेटर आएगा उसमें करेंगे माइनस वन, जो भाव वेल्स आएगा उसमें करेंगे माइनस, ठीक है। चलिए ये चीज, सॉरी इसमें करेंगे प्लस और इसमें करेंगे माइनस। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, एक्सप्लोरेशन को लिखते हैं, ई एक्स पी एल ओ आर ए टी आई ओ एन, ठीक है, ई क्या है, वोवेल्स, तो इसमें क्या करेंगे प्लस वन, ठीक है, ई को क्या करेंगे प्लस वन। चलिए तो क्या हो जाएगा ये एफ, ये इसमें क्या करेंगे माइनस, तो हो जाएगा डब्लू, पी में क्या करेंगे माइनस, ओ हो जाएगा, एल में करेंगे माइनस वन यानी एल का होता है बारह, माइनस वन करेंगे ग्यारह यानी यहां पे आ जाएगा के, ठीक, ओ का होता है पंद्रह, वोवेल्स है करेंगे प्लस वन और प्लस वन करेंगे तो सोलह यानी पी, आर, आर का कितना होता है अठारह और ये कॉन्सोनेंट है तो माइनस वन करेंगे, हो
हो गया 17। 17 यानी 17 किसका होता है, क्यू का। ए वोवेल्स, ठीक है, ए में क्या करें, ए वोवेल्स है, ए में क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, ए में प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, टू यानी बी, ठीक है। टी में भी क्या करेंगे, टी कॉन्सोनेंट माइनस वन करेंगे, टी का 20, और 20 में माइनस वन करेंगे तो 19। 19 किसका होता है, एस का, ठीक है। आई यानी 9, इसमें क्या करेंगे, ये है वोवेल्स यानी प्लस वन, यानी आई यानी 9 में प्लस वन करेंगे 10, और 10 किसका होता है, जे। ओ यानी 15 प्लस वन कीजिए 16, 16 किसका होता है, पी का। एन यानी कॉन्सोनेंट माइनस वन कीजिए, कॉन्सोनेंट का 14 माइनस वन करेंगे 13, और 13 किसका होता है, एम का, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्णमाला को उल्टे क्रम कर दिया जाता है। अब पूरे को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब ये जो हमारे पास आया है इन्हें हमको पलट देना, ठीक है। यानी जो राइट साइड है पहले वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, एम, एम के बाद पी, पी के बाद जे, जे के बाद एस, फिर बी, फिर क्यू, फिर पी, के, ओ, डब्लू और एफ, ठीक है। अब कह रहा है कि दाहिने से सातवां अक्षर, यानी दाहिना हमारा ये है, यहां से सातवां काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये मेरा क्या हो गया, सातवां, किस तरफ से, दाएं तरफ से, दाएं ओर से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी, ये आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि शब्द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है, ठीक है, किसमें, आपस में बदला जाता है। चलिए इसको पहले लिखते हैं, आई एन सी ओ एम पी आर ई आर ई एच ई एम एस आई बी आई एल आई टी आई ई एस, ठीक है। आपस में यानी ऐसे इन दोनों को आपस में बदल दिए, यहां पे आ गया एम और यहां पे आ गया आई। इसी तरह इन दोनों को आपस में बदलते हैं, इनको आपस में बदलेंगे, इन दोनों को 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 आपस में बदलेंगे, इनको आपस में बदलेंगे, इनको भी आपस में बदलेंगे, ठीक है, इनको भी आपस में बदलेंगे, एक सिंगल बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, ओ सी पी एम, ठीक है, ई आर ई एच एस एन बी आई एल आई टी आई ई आई एस, ठीक है। अब कह रहा है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, यानी इस तरफ से, ये हमारा क्या है लेफ्ट, इस तरफ से 15वां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15वां अक्षर क्या आ रहा है, एल, 15वां अक्षर क्या आ रहा है, एल, बाईं ओर से, ये हो गया बाईं ओर से, बाईं ओर से 15वां अक्षर एल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एल हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यदि शब्द हैबिचुअल का प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिए जाए तथा प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिए जाए तो बाईं से चौथा अक्षर क्या हो। देखिए सेम टू सेम, यानी इसी तरह के सवाल हमने आपको अभी बताया है इसी वीडियो में कुछ देर पहले, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं और इस सवाल को बनाकर
आप कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो बाएं से लास्ट में बाएं से आपको क्या करना है, बाएं से चौथा अक्षर आपको बताना है, ठीक है। आप सवाल लिख लें, हम आपको कुछ टाइम देंगे, 5 सेकंड हम वेट करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, इसे बनाइएगा और यूट्यूब पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को नीचे। बहुत ही कम लोग हैं जो यूट्यूब पे हम जो भी आपको सवाल देते हैं उसको बनाकर आप लोग डालते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जो भी हम कहते हैं उसको कम से कम फॉलो कीजिए। आप हैबिचुअल को आप जो ये सवाल आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं इसे आप लोग बनाएंगे और कमेंट में इसके आंसर को लिखेंगे, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, बना के जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ यानी जेड तक लिखा है, में 15, 18, 16 एवं 5 स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक। चलिए इसमें देखिए 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 15वां अक्षर कौन सा होगा एबीसीडी में, आप लोग बताइए 15वां अक्षर ओ होगा, ठीक है। ये ओ लिया जाता है 15वां अक्षर, फिर 18वां यानी आर लिया जाता है, उसके बाद 16वां, ठीक है, यानी 16वां अक्षर कौन सा होगा पी, पी लिया जाता है, और 5वां यानी ई लिया जाता है, ठीक है। अब इन 4 अक्षर को लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है और उस सार्थक शब्द में कहता है उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत टफ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अमूमन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जहां कहे कि सार्थक शब्द कितने सारे, ये वर्ड आप कोई वर्ड दे दिया गया है उसमें आपको सार्थक शब्द बनाना हो, तो जिसका जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग कहते हैं वोकैबुलरी जिसका स्ट्रांग होगा वो तो बना लेंगे, जिसका वीक होगा तो इसे स्किप कर दीजिएगा इस तरह के सवालों का, क्योंकि इस तरह के सवाल में आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, बहुत ज्यादा थिंकिंग करना पड़ेगा और बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं ना कि नए शब्द बनाइए, ठीक है, तो जब आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा ना तभी आप बना सकते हैं, तो ऐसे सवाल को आपको स्किप कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ओआरपी को लेकर हम कितने क्या क्या बना सकते हैं, तो ओआरपी से हम 2 सार्थक शब्द बना सकते हैं, पहला पी ओ आर ई और दूसरा आर ओ पी ई रो, ठीक है। अब कह रहा है इसका दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दूसरा अक्षर क्या है इसमें ओ और इसमें भी ओ, तो आंसर आपका क्या हो गया ओ, ठीक है। अगला प्रश्न, शब्द कंप्यूटर के दूसरे चौथे छठे और आठवें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या हो। अब देखिए कंप्यूटर के आप ले लीजिए दूसरे यानी ओ, दूसरा ओ, चौथे यानी पी, छठे यानी टी और आठवें यानी आर, ओ पी टी आर, ठीक है। अब इसे लेकर आप अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, तो जब आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होगा तभी तो आप इस शब्द को तोड़ मरोड़ कर अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, तो ऐसे सवालों को छोड़ देना है। लेकिन जिनका वर्ड स्ट्रांग है तोड़ मरोड़ सकता है अच्छी तरीके से, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग एक इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, O, P, T, R है, इनमें बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द क्या हो सकता है, तो हम बना सकते हैं
PORT पोर्ट, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, तो इस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, तो इस शब्द का दूसरा अक्षर ये पहला ये दूसरा, ठीक है, तो वो हो गया दूसरा। देखिए यहाँ पे कहीं बाएं या दाएं से दूसरा अक्षर या बाएं से दूसरा अक्षर नहीं कहा गया। जब दाएं या बाएं का जिक्र नहीं होना तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बाएं से ही अक्षरों को काउंट करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बाएं से किया, पी पहले स्थान पे, ओ दूसरे स्थान पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, इन शब्दों के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किए जाए। चलिए अब देखिए, आपको इनसे सार्थक शब्द बनाना है, यानी एरी AREN लेकर कितने सार्थक शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हम दो शब्द बना सकते हैं, NEAR, और क्या बना सकते हैं, EARN, अर, यानी नियर और अर्न, दो शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार आना चाहिए, मतलब अगर ए आपने एक बार यूज कर लिया इसमें, जैसे मैंने लीनियर लिखा, ए बार आ गया, तो इसी वर्ड में दुर्हा के ए आप यूज नहीं कर सकते, मतलब सेम वर्ड में सेम लेटर डबल बार यूज नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, डाइट, सॉरी IDET। अब IDET को लेकर कितने शब्द हम लोग बना सकते हैं इनसे, तो एक तो इडिट बन जाएगा अपना, ठीक है, एक इडिट बन जाएगा, दूसरा टाइट भी बनेगा, तीसरा टाइट भी बनेगा, और एक TIED ये वाला टाइट भी बनेगा, तो कितने बन गए, एक दो तीन चार, तो टोटल कितने सब बन गए, चार सब। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी, ठीक है। अगला लेसा, LESA, इससे क्या क्या हम लोग लेसा से क्या क्या बना सकते हैं सार्थक शब्द, तो सेल बन सकता है, और सोचिए हम लोग साथ में, सील बन सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता, तो कितने बने सार्थक शब्द, दो। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा दो आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल ना आपको पक्का पूछा जाएगा, पक्का मतलब मैक्सिमम चांस रहता है ऐसे सवालों को पूछने। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको समझिए, आप बड़े इत्मीनान से समझना, ठीक, मतलब जो ए से लेकर डी तक दिया गया है ऑप्शन में, आपको इनको फाइंड आउट करना है, फंडामेंटल जो आपके क्वेश्चन में दिए गए इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन के सारे लेटर है जो इसके अंदर मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। डिटरमिनेंटल, DE, देखिए डी है कहीं, DE, TR, TR कहीं नहीं दिए, खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं। नोज, नोज को ढूंढिए, क्या NOSE इसके अंदर है, फंडामेंटल के अंदर N है लेकिन O नहीं है, ये भी गया। टेम, TAME, टेम है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर होगा, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, जहां आंसर मिल गया वो आंसर हो ही गया, तो हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, TAME। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी आपको ये चार ऑप्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट करना डेमोक्रेसी में, ठीक है, कि इनके लेटर हैं या नहीं। सेक्रेसी, SECRECY, S तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी माइक्रो, MI भी नहीं है, तो ये भी खत्म। मेर्सी, MARCY, M है, R है, A है, C है और Y है,
यानी हमारा सी आंसर हो गया, सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आपको ऑप्शन वाले शब्द को ढूंढना है कि हम तभी बना सकते हैं जब इसमें अवेलेबल हो वर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग बना सकते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए अब देखिए फार्मर को ढूंढिए, इसमें फार्मर है एफ ए आर एम ए एम ई ई ई नहीं है तो ये खत्म, ऑप्शन ए खत्म। बी मोशन एम ओ टी आई ओ एन, एम ओ टी आई ओ एन, मोशन मोशन है तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल में लाइनर ढूंढिए, एल एल है यहाँ पे, आई एन ई ए आर, लाइनर मिल गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, लाइनर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पब्लिकेशन में ढूंढना है, प्लेट को ढूंढिए, पी एल ए टी ई, ई तो नहीं है ये खत्म, लेड एल ए टी ई नहीं है तो ये भी खत्म, एक्शन ए सी टी आई ओ एन, ए सी टी आई ओ एन, एक्शन एक्शन है तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्शन, सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब उल्टा करना है, इसमें क्या करना है, ऐसे लेटर ढूंढना है जो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है, यानी इस ऑप्शन को चेक करना है, इसमें डाल के क्वेश्चन में डाल के जो फिट नहीं बैठेगा, यानी जिसके सारे वर्ड नहीं मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं ब्लेंड, बी एल ई एन डी, ब्लेंड है, चलिए ठीक है ब्लेंड है, बाल्ड बी ए कहीं है ही नहीं तो हमारा ये आंसर हो गया, यानी जो नहीं बन सकता वही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है, ब्लेंडिंग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। रेंज को ढूंढिए, आर ए एन जी ई, ठीक है, रेंज है, रेज आर ए जी ई आर, ठीक है, ए जी ई रेज भी है, हॉवर एच ओ भी ई आर, एच ओ भी ई आर हॉवर भी है, हैंड्स एच ए एन जी एस, अब एस है ही नहीं मतलब ये पूरा हैंग्स नहीं बना सकते, ठीक है, हैंग्स के सारे लेटर इसके अंदर है ही नहीं, है गोबर के अंदर, तो आंसर हमारा हैंग्स ही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढिए, मिनिस्टर मिनिस्टर, अब ई तो इस एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां पे लिखा हुआ है इसमें मिनिस्टर को ढूंढिए तो ई है ही नहीं इस कहीं भी, लेकिन इसमें ई है तो हम बना नहीं सकते तो आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। अगला सिग्नेचर, अगला क्या है सिग्नेचर, अब दो सवाल आपके लिए, तीन सवाल हमने बताया, अब दो सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको भी बना के आपको YouTube में कमेंट कर रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा लेटर है इसमें ऑप्शन में जिससे सिग्नेचर से हम बना नहीं सकते, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके यानी सिग्नेचर से हम बना ही नहीं सकते, वो ऑप्शन ढूंढना है जो सिग्नेचर में फिट नहीं बैठ रहा है, उसके अंदर नहीं बैठ रहा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को रोक के लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका आंसर आप यूट्यूब पे जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, 20 नंबर सवाल को नोट डाउन कीजिए, और फिर एक सवाल और आपके लिए छोड़ें।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम पढ़ाते हैं 21 नंबर, इसे भी नोट कीजिए, सेम सवाल है। हाँ चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहीं तक आज के क्लास को रहने देते हैं, यहीं पे आपका टाइप 3 के सारे सवाल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 करेंगे और यहीं पे हो जाएगा आपका इंग्लिश अल्फाबेट इंड। ठीक है, किसी भी तरह की समस्या होता है तो आप ये नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं t.me/totalexam। ठीक है, और सारे फोर्सेस के अलग अलग टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, आप जिस भी फोर्सेस और जिस भी कोर्स से आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स का नाम लिख के आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम में आपके कोर्स मिलेंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई इशू हो या किसी इशू से रिलेटेड आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।